का दौरा आपका प्रयागराज में रहा और यहाँ पर आप आए हैं? मेरा दौरा ये शुरू हुआ है जौनपुर से भदोही होते हुए प्रयागराज प्रतापगढ़ सुल्तानपुर होते हुए मुंबई वापस जाने का। मेरा दौरा कोई पार्टी का दौरा नहीं है, कोई पार्टी ने मुझे भेजा नहीं है। मैं तो महाराष्ट्र में अध्यक्ष हूँ का और MLA हूँ, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि हम सब का यह कर्तव्य हो जाता है कि हम लोग किसी तरह से BJP को इस प्रदेश से हटाएँ। इस प्रदेश से हटना मतलब देश से हटना, तो हम अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं और हम तमाम उन लोगों से जो लोग इस देश के कानून को मानते हैं, जो लोग इस देश में हमारी पुरानी सभ्यता गंगा जमुनी तहजीब को कायम रखना चाहते हैं, उन लोगों से मैं निवेदन करने आया हूँ कि आप सब लोग, वो पार्टी जिसने इस देश को बर्बाद कर दिया, जिसने इस देश की गंगा जमुनी तहजीब के बीच में जो है एसिड डाल के हिंदू मुस्लिम को अलग कर दिया, जिसने आज जो है ऑक्सीजन के नाम पर लोग मर गए यहाँ पर और पार्लियामेंट में कह दिया कि ऑक्सीजन से कोई मरा ही नहीं, इतना बड़ा झूठ। जहाँ अस्पताल नहीं है, जहाँ लाशें तैर रही गंगा जमुना में, कुत्ते वहाँ घूम रहे हैं और यहाँ योगी जी कह रहे हैं कि यहाँ सब ठीक ठाक चल रहा है, तो ऐसे झूठे लोगों को इस प्रदेश से हटाना मकसद देश से हटाना है, इसलिए मैं आया हूँ। और मैं मेरी जो छोटी मोटी कोशिश है वो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि तमाम लोग जो इस देश में रहते हैं वो सब इकट्ठा होकर के की बात समाजवादी को हटाएं, और जब समाजवादी को हटाएंगे तो लड़ाई समाजवादी पार्टी और समाजवादी और BJP की है, कहीं बीच में BSP और कांग्रेस नज़र नहीं आती है। तो जो जीत रहा उसको जिताओ, कुछ सोचो मत। मैं एक लोगों से बात कर रहा हूँ, हमारे वोटों को काटने के लिए कि हमारा वोट जो है वो बिखर जाए। सुब्रमण्यम स्वामी ने 2014 में कहा था कि मैं 85% वोटों को इकट्ठा करके सरकार चलाएंगे और 15% वोटों को हम बिखरा देंगे। वो बिखराने के लिए कुछ दलाल लोग आ रहे हैं, उनसे ज़रा होशियार रहना चाहिए। BSP जिस तरह से ब्राह्मण सम्मेलन कर रही है जगह जगह पर जाकर, तो क्या लगता है उससे कुछ नुकसान? BSP तो सिर्फ और सिर्फ मतलब वाली पार्टी है, व्यापारी व्यापार करती है, बगैर पैसे को टिकट नहीं मिलते वहाँ। तो मैं समझता हूँ कि अब BSP को लोग अच्छी तरह पहचान चुके हैं, कांग्रेस बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है, 150 साल पुरानी है पार्टी, गिर जाए तो हड्डी पसली भी दोबारा जुड़ने वाली नहीं है। तो अब बची है एक नौजवानों की पार्टी, समाजवादी पार्टी, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे ठाकुर हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे दलित हो, चाहे किसान हो, सब लोग अब की बार ये टॉक ऑफ द टाउन है कि समाजवादी लाओ और BJP हटाओ। ओवैसी के आने से कितना नुकसान है? जानते हैं नहीं, छोड़िए ना, वो क्या करेंगे, बात ही मत कीजिए ऐसे लोगों की। यहाँ पे ऐसा है ना कि एक लहर है समाजवादी पार्टी, मीडिया ही तो लॉन्च अरे बेचारे बोलते हमारे पास जितने काम करने वाले, रात में मेरा रोते बेचारे सर। सरताज भाई के कंधे पे हाथ लग रास्ते में, तो सड़क पे इनके बैठ जाओ।